वोल्टास, इसके कल क्वार्टर टू के नंबर आए दोस्तों। नंबर एज एक्सपेक्टेड आप कह सकते हैं निराशाजनक थे, लेकिन एस्टिमेट से भी, जो एस्टिमेट लगाया गया था वहाँ से भी आप देखेंगे तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। नतीजन आज ये स्टॉक 4% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है, और अब निवेशकों को ये लग रहा है कि ऊपरी स्तरों से 30-33% से ज़्यादा टूटने के बाद क्या ये सबसे सही समय है इस स्टॉक में निवेश करने का, क्योंकि ये स्टॉक पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा बज में रहा है और निवेशक इसमें कह सकते हैं कई एक्सपर्ट्स इसमें भी काफ़ी हद तक खरीदारी की राय दे रहे थे। लेकिन क्वार्टर टू के नंबर कुछ सीरियस कंसर्न्स खड़े कर रहा है दोस्तों। क्या है वो कंसर्न? कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिली हैं, कुछ प्रॉब्लम सीजनैलिटी के कारण भी है, और सबसे बड़ी चीज़ इतनी ज़बरदस्त गिरावट आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ देख रहे हैं, इसके बावजूद ब्रोकरेज हाउसेस बहुत बुलिश है इसमें। कई कई ब्रोकरेज हाउसेस में 30-32% की तेज़ी की बातें कर रहे हैं। हाँ, वो EPS का टारगेट कह लीजिए आप, EPS घटा भी रहे हैं फाइनेंशियल 23-24 की, लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई आप कह सकते हैं कि जो टारगेट प्राइस है वो स्टॉक के बढ़ा रहा है। तो इस वीडियो में चर्चा ये करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पॉजिटिविटी है, और जो सबसे बड़ा खतरा लग रहा है निवेशकों को इस स्टॉक को लेकर के वो क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करूंगा मैं वोल्टास की। देखिए, टाटा ग्रुप की ये बहुत शानदार कंपनी है और इसमें कोई भी आप कह लीजिए दो राय नहीं है कि आने वाले समय में एसी की जो आप कह सकते हैं एसी का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ बढ़ेगा। अब लग्जरी से हटकर एसी एक नेसेसिटी बनता चला जा रहा है, और जब ये होता है ना दोस्तों दो चीज़ें आती हैं। पहला, बहुत सारी सेल्स होती हैं, दूसरा आप कह सकते हैं कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है उस चीज़ का वो काफ़ी बढ़ता है, और एसी में आने वाले समय में यही होने वाला है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखेंगे तो सबसे बड़ा रीज़न और जो इस क्वार्टर रिजल्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी लगेगा वो है कॉम्पिटिशन। जब मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ने वाला हो, हर कोई आप कह सकते हैं दोस्तों, हिंदी में कहावत है कि बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और यही कारण है कि इस बार के जो रिज़ल्ट हैं उसमें यही देखने को मिला है। वोल्टास ने अपनी मार्केट लीडरशिप तो ज़रूर बचा के रखी है, लेकिन अपना जो मार्केट शेयर है वो 1% से घटा दिया है दोस्तों। पहले ये 24% था, वो अब शायद 23% हो गया है। तो टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट शेयर है वहाँ पर आपको साफ साफ कमी देखने को मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्जिन। जहाँ जहाँ कंपटीशन होता है दोस्तों, वहाँ कंपनी अपनी मार्केट पोजीशन को बचाने के लिए जो सबसे बड़े कह लीजिए तिलांजलि देती है जिस चीज़ की, वो है मार्जिन्स की। और वोल्टास के क्वार्टरली रिजल्ट में इस बार वही देखने को मिला, मार्जिन बहुत हद तक गिरे हैं दोस्तों। ठीक है, और आगे बात भी करूँगा, थोड़ा क्वार्टर टू के नंबर्स की बात करूँगा, लेकिन अभी कुछ आप कह सकते हैं थोड़ा बड़ी चीज़ों में बातें करते हैं कि एक्चुअली कंसर्न्स क्या थे। ठीक है, कंपनी का जो आप कह सकते हैं जो एयर कूलर बिजनेस है दोस्तों, ठीक है, एयर कूलर बिजनेस है, वो डबल डिजिट ग्रोथ से बढ़ा, विच इज़ रियली नाइस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? अभी भी जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर है वहाँ से डिमांड ही नहीं आ रही दोस्तों, वहाँ पे डिमांड अभी भी आप कह सकते हैं बहुत हद तक गायब है दोस्तों। ठीक है, तो इस बार जो क्वार्टर टू के नंबर्स आए उसमें जो बड़े हाईलाइट कंसर्न्स थे वो ये सब तमाम देखने को मिले। ठीक है, और आप देखेंगे कि अगर चीज़ें बात करूं तो जो स्प्लिट आप कह सकते हैं स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर है दोस्तों, और अगर मैं आपसे एग्जैक्टली वर्ड्स में बात करूं तो स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर कंटिन्यूड टू गेन ट्रैक्शन, शेयर राइजिंग टू 77% फ्रॉम 66%। और मुझे लगता है जो स्प्लिट इन्वर्टर एसी है ये आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एक सेलिंग पॉइंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, और क्योंकि जिस तरह से आपको पता ही होगा ग्लोबल वार्मिंग का हाल, और जिस तरह से गर्मियाँ और भी ज़्यादा लगातार गर्म होती जा रही हैं, ठंड और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सट्रीम होती जा रही है, तो हम बेसिकली एक एक्सट्रीम वेदर की ओर जा रहे हैं। ऐसे में आप माने ना माने हमें एयर कंडीशनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। और अगर आपको लगे कि भाई ऐसा हो नहीं रहा है, गलत बोल रहा हूँ मैं, आप एक बार घर के बाहर अपने खड़े हो जाएं, अगर आप कह सकते हैं आप एक ऑन एन एवरेज मिडिल क्लास पर्सन आज के समय में एटलीस्ट एक एसी अपने घर में ज़रूर रख रहा है दोस्तों, और इट्स अ फैक्ट। और यदि आप एक कह लीजिए हॉट एरिया से आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तो शायद एक से ज़्यादा की संख्या हो सकती है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूँगा जहाँ सेल्स की संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं
उसके सामने कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं कि भाई क्वार्टर टू के नंबर क्या है। देखिए आप समझिए चीज़ों को, जो क्वार्टर टू के नंबर है दोस्तों, इस बार कंपनी ने लॉस बुक किया है। ठीक है, इट रिपोर्टेड ए नेट लॉस ऑफ 6.04 करोड़ ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजंस मेड फॉर एन ओवरसीज प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि बहुत सारा प्रोविजंस करना पड़ा, रीजन था ओवरसीज प्रोजेक्ट का, वोल्टास का। यही कारण है कि इस बार कंपनी ने लॉस बुक किया है 6.04 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, और अगर मैं कंपेयर करें इससे एक साल पहले की, तो लगभग एक साल पहले कंपनी ने 104 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था दोस्तों। उसके सामने लॉस दिखाना ये एक बात का परिचायक है कि जो ये प्रोविजंस हैं वो सबसे बड़ा रीज़न रहा इस, कह लीजिए इस लॉस में। ठीक है, और कुछ अच्छी चीज़ें बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वॉज अप 4.7%। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4.7% की वृद्धि दिखाए हैं एट रुपीज़ 1,768.336 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू, और अगर इससे आप एज अगेंस्ट 1,689 करोड़ रुपीज़। ठीक है, यदि हम एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो 4.7% की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बढ़ोतरी हुई है। तो आप कह सकते हैं बिलो एक्सपेक्टेशन रही है, और ये बाज़ार को इतने ज़्यादा ख़राब लगे रिजल्ट कि ऑलरेडी जब स्टॉक इतना ज़्यादा बीटन डाउन था, लोगों को तो लगा था कि रिजल्ट अगर ख़राब भी आएंगे तो भी उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। लेकिन स्टॉक, जब मैं वीडियो आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 1.5-2 बज रहे हैं दोस्तों, स्टॉक 4% ज़्यादा टूटा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की जो इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो है नोम्यूरा का। नोम्यूरा ने दोस्तों इसको कह लीजिए आप करेंट मार्केट प्राइस से 23% अपसाइड की बातें कही है, यानी करेंट से 23% की बात कही है, और इसे अपग्रेड कर दिया है बाइंग में विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1083 के टारगेट प्राइस दिए गए नोम्यूरा के द्वारा, और इसे बाई रेटिंग दी गई है। रीज़न क्या है तो देखिए, कंपनी है जो ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है दैट मार्जिन विल रिवाइव इन नियर टर्म ईयर्स एंड वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव एडजस्टेड टू बैको। देखिए बैको एक फॉरेन कंपनी, इसका टाई अप वोल्टास का, और वोल्टास बैको के लिए भी जो कह लीजिए डिमांड है वो बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल साइलेंट सी रही है। रीज़न कुछ सीजनैलिटी की प्रॉब्लम है, कई जगह इतनी बारिशें इस बार अलग अलग जगह से हुई हैं कि जिस तरह की डिमांड थी वो आ नहीं पाई दोस्तों, और यही कारण है कि इस बार गिरावट आपको देखने को मिली है। और कंपनी भी ये कह रही है दैट वर्स दिस ओवर, और मार्जिन आने वाले समय में इम्प्रूव होंगे। हाँ, EPS सिर्फ यही नहीं, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ कॉमन है, सभी ने EPS घटाया बिटवीन 6-9% फाइनेंशियल 23-24 दोस्तों। ठीक, तो ये तो बात थी नोम्यूरा की। अब किसकी बात करते हैं, अब बात करें दोस्तों सिटी की। तो अब देखिए सिटी ने इसे बाई रेटिंग दी है दोस्तों, और टारगेट प्राइस दिया है 1075 रुपीज़ का। ठीक है, और देखिए सिटी कह रहा है दैट Q2 वॉज अ मिक्स बैग विद अ रूम AC मार्केट शेयर ट्रेंड्स मिक्स्ड। ठीक है, आगे है मार्केट शेयर डिड इम्प्रूव टू 24.5% इन जुलाई वर्सेज 24% ऑफ जून। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पे भी एड्रेस किया गया है वो है प्रेशर दोस्तों ऑन मार्जिन्स, और ये इस बात सब कह रहे हैं कि भाई मार्जिन में साफ साफ प्रेशर है। ठीक है, बट वर्सेस ओवर सभी जगह यही बातें चल रही हैं दोस्तों। बात करें जेफरीज की तो इसने तो अलग ही टारगेट दे दिए है, जेफरीज ने सीधा 1200 रुपीज़ के इसमें टारगेट दे दिए आपको, और कहा है 36% की अपसाइड की बातें कह रहा है वो। इसके साथ साथ उनका कहना है दैट Q2 EBITDA वॉज वेल बिलो एक्सपेक्टेशन एज द मार्जिन इज लोअर। Q2 के जो EBITDA हैं वो काफ़ी हद तक लोअर रहे हैं क्योंकि मार्जिन डाउन थे, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है दोस्तों अभी भी वैल्यूएशन ना थोड़ी अपेश है इसकी। तो वो निवेशक जो आप कह सकते हैं थोड़े से ये कैपिटल उतनी ज़्यादा नहीं रहती, जो मिनिमम रिस्क में निवेश करते हैं, तो मुझे लगता है वोल्टास से अभी थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए और एक फेज और गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ से कुछ 5-10% की और नीचे इस तरह दिख जाती है तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में आपको ये स्टॉक मिलेगी। और देखिए जो वोल्टास है ना, वो अगर करंट वैल्यूएशन में भी आप खरीदते हैं तो भी आने वाले कुछ महीनों या सालों के बाद आपको एक अच्छे रिटर्न तो ज़रूर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जो निगेटिविटी है ऑलरेडी प्राइजन हो चुकी है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्टॉक ऑलमोस्ट 33% से ज़्यादा टूट चुका है दोस्तों, और आपको 4% के बाद ये शायद गिरावट और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक होते हैं ना, चाहे वोल्टास हो अन्य हो, ये वैल्यूएशन वाइज बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं,
और यही कारण है कि ये जो आप कह सकते हैं गिरावट, इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है स्टॉक। तो एक सेटअप 5-10% की और गिरावट हो जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल वैल्यूएशन में ही होगा। यहाँ पे वोल्टास में आप निवेश कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म, वरना करेंट वैल्यूएशन में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। बट आप कह सकते हैं ये जो आने वाला सीज़न है, जो आने वाला जो क्वार्टर है, वहाँ पे शायद मार्जिन थोड़े इंप्रूव होते शायद आपको दिखाई दें, और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, मुझे लगता है स्टॉक एक नई रीरेटिंग आपको दिखाएगा, एक नई तेज़ी दिखाएगा। तो यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो, और देखिए कोई ये बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जो मुझे पर्सनली लगता है वो आपके साथ मैं शेयर किया हूँ, और डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की, जिनको मैं निवेश की सलाह देता हूँ, स्टॉक में कोई भी होल्डिंग नहीं है दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।